कांग्रेसियों ने अडानी और एलआईसी के नाम पर गुमराह करने की जो कहानी रची थी वो कहानी असल में उनकी हकीकत है। उस कहानी के रचयिता भी वही थे और किरदार, बस समय और सरकार अलग थी। नेहरू के सरकार में एलआईसी घोटाला हुआ था और उस घोटाले की पोल किसी और ने नहीं, खुद नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने ही खोली थी। समय था 1957 और सरकार थी राहुल के दादा नेहरू की, देश के पहले घोटाले की कहानी। दरअसल साल 1956 में नेहरू की सरकार ने संसद में एलआईसी का गठन किया और शुरुआत में 5 करोड़ रुपए की पूंजी भी लगाई, लेकिन इस पूंजी को बढ़ाते रहने के लिए एलआईसी ये पैसा दूसरी नामी कंपनियों में लगाती थी जिसकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा होती थी। और आमतौर पर आज भी कोई भी कंपनी यही नियम फॉलो करती है, चाहे वो एलआईसी हो या कोई और कंपनी। लेकिन नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने यह आरोप लगाया कि नेहरू की सरकार ने एलआईसी का पैसा हरिदास मुंदड़ा नाम के एक व्यापारी की कंपनी में लगवा दिया। ये वो हरिदास मुंदड़ा था जिसने अपनी कंपनी के शेयरों में हेराफेरी करके शेयर्स के दाम बढ़ाए थे। यही नहीं, उसकी कंपनी ना ही कोई नामी गिरामी कंपनी थी, ना ही बाजार में कोई प्रतिष्ठा थी, उल्टे उसकी कंपनी के ऊपर करोड़ों का कर्ज था। तो मतलब साफ है कि बिना नियमों का पालन किए उसकी कंपनी में निवेश करवाया गया। इस पूरी साजिश को उसने नेहरू की सरकार के वित्त मंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया, लेकिन अंत में पोल खुल गई। दामाद ने ही खोल दी पोल। नेहरू से चिढ़ की वजह से इस पूरे घोटाले को सदन के सामने रखा था उनके ही दामाद फिरोज गांधी ने। हाँ, सही सुना, फिरोज गांधी ने। फिरोज गांधी ने सदन के पटल पर इस पूरे घोटाले का खुलासा किया और यहाँ तक कह दिया कि इस डील के एवज में कांग्रेस पार्टी को 2.5 लाख रुपए का चंदा मिला था। सोचिए, 1957 में 2.5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। उस समय तो आम आदमी का मासिक वेतन भी मात्र कुछ 100 रुपए ही हुआ करता था। बाद में इस पूरे घोटाले की जांच हुई तो ये घोटाला सही पाया गया और नेहरू के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी, वित्त सचिव और एलआईसी के चेयरमैन इसमें लिप्त पाए गए, जिसके बाद फरवरी 1958 में इन तीनों की कुर्सी भी चली गई। लेकिन 2.5 लाख रुपए चंदा लेने वाली कांग्रेस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह नेहरू की सरकार ने उद्योगपति मित्र के साथ मिलकर आजाद भारत के पहले घोटाले को अंजाम दिया था। उसके बावजूद उनका पोता आज मोदी जी पर ऐसे घिनौने आरोप लगाने से पहले एक बार भी अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक कर नहीं देखता है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है।